यातायात माह में 60 लाख वसूले, फिर भी टेम्पो चालकों ने नहीं लिया सबक। यातायात नवंबर माह के समापन कार्यक्रम में एसपी ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया पाठ। बोले, यातायात माह में नियमों का उल्लंघन करने वालों से 60 लाख वसूले। 60 लाख वसूलने के बाद भी टेम्पो संचालकों ने नहीं लिया सबक। सोरों कासगंज मार्ग पर टेम्पो की छतों पर सवारियों को बिठाकर फर्राटे भर रहे हैं टेम्पो। यातायात के नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। कासगंज जनपद भर में यातायात पुलिस द्वारा एक माह तक नवंबर माह मनाया गया। इस नवंबर माह में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों से 60 लाख रुपए शमन शुल्क के रूप में वसूल किए। लेकिन यातायात माह के समापन पर सोरों कासगंज मार्ग पर टेम्पो चालक सवारियों को छतों पर बिठाकर फर्राटा भरते हुए नजर आए, जिससे यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नवंबर माह में दिखाई दी। आपको बता दें कि यातायात पुलिस नवंबर माह के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह कार्यक्रम कर यातायात के नियमों के प्रति लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, ताकि हादसों पर लगाम लग सके और लोग अनचाही मौत के शिकार न हों। इसी परिप्रेक्ष्य में एक माह तक स्कूलों, कॉलेजों, सड़कों पर शिविर लगाकर यातायात के नियमों के प्रति बच्चे को जानकारी हो सके। इसी को लेकर आज बुधवार को नवंबर माह के आखिरी दिन जेपी पब्लिक स्कूल में समापन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस कप्तान बीबीजीटीएस मूर्ति रहे। मूर्ति ने स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों का हर संभव पालन करने और दूसरों को कराने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, क्योंकि हादसों का कारण नींद, नशा और तेज रफ्तार है। उन्होंने ये भी बताया कि एक माह तक चले जागरूकता माह में नियमों का उल्लंघन करने वालों से 60 लाख रुपए वसूल भी किए गए हैं। आपको बता दें कि एक माह तक चले अभियान में कितने लोग जागरूक हुए हैं, इनकी तस्वीरें भी सोरों कासगंज मार्ग पर देखने को मिल रही हैं। खुलेआम यातायात के नियमों को ताक पर रखकर टेम्पो चालक छतों पर सवारियां बिठाकर और लटकाकर फर्राटा भर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि इन टेम्पो चालकों पर यातायात की मेहरबानी है। कितने अब तक पूरे महीने में कार्रवाई की गई? देखिए, पूरे यातायात माह में करीब 60 लाख रुपए के चालान किए गए हैं, और अलग अलग जितने भी हमारे स्कूल है, सारे स्कूलों में हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट किया। उसके अलावा जितने भी हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर हमारे सर से, मेरे सर और CEO एडिशनल व्यक्ति सभी लोग अभी आके जागरूक करते हैं। उससे थोड़ा सा डेफिनेटली फर्क पड़ा। अभी लोग व्यक्तिगत रूप से अपने स्कूटर और जो फ्लैश लाइट्स है वो हटाने लगे हैं, और हेलमेट पहनने लगे हैं, ट्रिपल राइडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, और ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रहे। ये सब एक तरीके से हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये किया कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि ट्रैफिक नियम जो है उसको पालन करें, और एट द सेम टाइम जहाँ पर भी कोई उल्लंघन हो रहा है वहाँ सख्ती से लोगों ने इतने वाहनों के चालान कितनी सीज किए हैं? करीब 5,000 वाहन, 5,331 वाहनों की चलान हुई है, और लगभग 60 लाख रुपए की शमन शुल्क हम लोगों ने। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।